वेलकम टू टेक ज्ञान चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम कि जब हमारा आधार कार्ड नेम चेंज लिमिट क्रॉस होने के कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम हमारा आधार कार्ड किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि किस तरह से अपडेट करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कितने दिन में हमारा आधार कार्ड अपडेट होके मिल जाता है। सबसे पहले आप इस बात की ध्यान दीजिए कि आधार कार्ड में नेम चेंज करने की जो लिमिट है वो आप दो बार आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हैं, तीसरी बार करवाने में आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या सॉल्यूशन है वही इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। दूसरी बात, अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो आप वन टाइम चेंज कर सकते हैं, सेकंड टाइम करने पे आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ लिमिट से रिजेक्ट हो रहा है तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे दी गई है, आप वो वीडियो देखिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थर्ड टाइम गेंदर आप एक ही बार अपडेट करवा सकते हैं, एड्रेस के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अगर हमारा नेम चेंज हो जाता है थर्ड टाइम तो कुछ रीजन के वजह से हो सकता है। तो फर्स्ट रीजन देखिए कि कोई टाइपिंग मिस्टेक है या ऑपरेटर की गलती की वजह से मिस्टेक हो चुकी है या कोई माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसे कंडीशन में आप कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट से अपना आधार कार्ड थर्ड टाइम अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें मैरिज हो गया है, रीमैरिज हो गया है, डिवोर्स हो गया है, एडॉप्शन हो गया है या कोई पर्सनल रीजन के वजह से हम हमारा नाम ही पूरा चेंज कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट नेम ही चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमको केवल एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और वो होती है गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट जिसे राजपत्र कहा जाता है, ये राजपत्र के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं कि किस तरह से इसका यूज करके आप जो लिमिट क्रॉस आपकी हो गई है उसको कैसे सॉल्व कर सकते। तो पहली बात तो क्लियर है कि कोई नॉर्मल मिस्टेक है, कोई माइनर मिस्टेक है तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट से हो सकता है, कोई भी एक POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, किसी से भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मेजर चेंजेस हो रहे नाम में या आपकी दो बार अपडेट हो चुकी है लेकिन थर्ड टाइम आप कर रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपको गैजेट रिक्वायर्ड है। आप देखते आगे कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे फर्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो आपको क्या करना है, आपके नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाना है, कुछ प्रोसेस वहां पे होगी। उस प्रोसेस के बाद आपको एक अपडेट स्लिप दिया जाएगा, मतलब आपको आधार सेंटर में जाके अपडेट करवाना है और किस तरह से अपडेट करवाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो उसके लिए क्या, आप जब आधार सेंटर ऑफिस में जाएंगे तब वहां पे थर्ड टाइम आप अपडेट करवा रहे इसलिए वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि गैजेट आपको रिक्वायरमेंट होगा तो वहां पे आधार ऑपरेटर को बता दीजिए कि मेरा थर्ड टाइम मुझे अपडेट करवाना है तो आप डॉक्यूमेंट में गैजेट सिलेक्ट कीजिए, या मैं थर्ड टाइम अपडेट करवा रहा हूँ लेकिन मेरा नॉर्मल मिस्टेक है तो आप मेरे डॉक्यूमेंट से अपडेट करवा दीजिए, तो वहां से आपको स्लिप मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, वो स्लिप डॉक्यूमेंट की PDF बनाना है और ईमेल करना है। अब इसमें ईमेल करना बहुत जरूरी है, कैसे करना है वो देखते हैं हम इस वीडियो में। उसके बाद जो हमारे अपडेट करने के लिए इसमें जो ड्यूरेशन लगने वाला है वो 15 दिन से लेके 45 डेज के अंदर हो जाएगा। 90 डेज का ड्यूरेशन होता है अपडेट का, लेकिन आप 15 से 45 डेज में स्टैंडर्ड डेज में अपडेट हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आधार सेवा केंद्र में जाना है, अब उसके लिए आधार सेवा केंद्र myaadhar.uidai.gov.in इस लिंक पे जाके आप लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना आधार सेंटर देख सकते हैं, नजदीकी आधार सेंटर का है वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है गैजेट की, तो एक फॉर्मेट है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का गैजेट है, हर स्टेट का अलग अलग गैजेट होता है, आप ऑनलाइन ही गैजेट बना सकते हैं, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो वो गैजेट कैसे बनाने, क्या बनाना है आप YouTube पे वीडियो सर्च कर सकते हैं या इस रिलेटेड मैं वीडियो चैनल पे लेके भी आ जाऊंगा। तो ये गैजेट जो है इसका यूज कैसे करना है पहले आप देखिए। जो गैजेट है वो इस तरह से होता है,
फॉर एग्जाम्पल आपका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरा ओल्ड नेम यहाँ पे, मेरा न्यू नेम यहाँ पे, तो इसके बाजू में आपको फोटो अटैच करना है, इसके बाजू में आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है, उसके बाद ही ये स्कैन करना है। अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफ अटैच नहीं करते तो आपका काम नहीं होगा, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब आगे देखिए ईमेल किस तरह से करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। उसके बाद आपको ईमेल करना है, आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको गैजेट की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल, या गैजेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ईमेल तो सेम करना है। ठीक है, क्या ईमेल करना है आपको? ईमेल करना है help@uidi.gov.in, ये हेल्पलाइन नंबर है। फर्स्ट आप इसको मेल करेंगे, उसके बाद आप आरओ ऑफिस को मेल करेंगे, और ज्यादा ही रिक्वायरमेंट हुआ तो अपडेट डिवीजन को, अपडेट डिवीजन को जाना नहीं है, आपका हेल्प डेस्क और आरओ ऑफिस से ही हो जाएगा। अब आपको आरओ ऑफिस की ईमेल आईडी कैसे मिलेगी? हर राज्य का अपना आरओ ऑफिस है, तो उसकी ईमेल आईडी कैसे बनेगी मिलेगी ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते पहले ईमेल कैसे भेजते हैं। तो ईमेल किसको भेजना है? एक हेल्प डेस्क को, एक आरओ ऑफिस को। क्लियर। नेक्स्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना है? तो अपडेट आधार नेम लिमिट क्रॉस, सिंपल। नेक्स्ट आपको डियर सर, आपका जो भी रीजन है, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मराठी में लिखिए, और ये आपको रीजन यहाँ पे लिखना है, जो भी रीजन है। फॉर एग्जाम्पल माइनर मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट हो गया था, या ऑपरेटर गलती से वजह से रिजेक्ट हो गया था, या मेरा री मैरिज है, या मेरा मैरिज है, पहले मैंने 2 बार माइनर अपडेट किया था, अभी मेरे को मेजर अपडेट करवाना है, या मुझे किसी रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से मुझे नाम चेंज करना पड़ रहा है, तो जो भी आपका रीजन है वो यहाँ पे आप डिटेल में आप आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको आपका एनरोलमेंट मतलब अपडेट स्लिप, उसका नंबर यहाँ पे डालना है, पूरा 14 अंक का नंबर होता है। उसके बाद डेट, टाइमिंग, सब, आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे अटैचमेंट करना है। क्या अटैचमेंट करना है? तो आपकी स्लिप, अपडेट स्लिप। उसके बाद अगर आपको गैजेट की जरूरत है तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन, मैंने बताया किस कंडीशन में आपको गैजेट लगेगा, मेजर में, मेजर कंडीशन आपका करेक्शन में, तो आपको गैजेट लगेगा। ठीक है, और कोई भी एक आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास इफ अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अटैच कीजिए, लेकिन उसके अंदर नाम आपको करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप मत अटैच कीजिए, गैजेट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अभी एक आरओ ऑफिस जो हमारे रीजनल ऑफिसेस है उनकी ईमेल आईडी हम कहाँ से ले सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब आपको आ जाना है uidi.gov.in, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है रीजनल ऑफिसेस, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे राइट साइड में पूरे इंडिया के जितने भी रीजनल ऑफिसेस है वो यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बेंगलुरु का आर ऑफिस देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और उनकी जो ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से कॉपी कीजिए और इनको ईमेल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लखनऊ देखना है तो उनकी ईमेल आईडी है, आपको मुंबई देखना है, रांची देखना है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, उनकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो होगी, सिंपली ईमेल आईडी कॉपी कीजिए और उनको मेल कीजिए। इस तरह से आपका नेम चेंज का जो लिमिट है वो सॉल्व हो जाएगा।